अमित सर एक डाउट है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय रखा और उसके साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा। जब वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो एक और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। जब एम्प्लॉय की एग्जिट पे एम्प्लॉय ने ग्रेच्युटी मांगी तो एम्प्लॉयर ने कहा कि आपने तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपकी तो 8 साल की सर्विस ही नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का था और उससे पहले 4 साल का खत्म हो गया था, क्या एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल पाएगी इसमें? ये जो बात तू कर रहा है ना बच्चे, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, जानबूझ के ग्रेचुटी ना देनी पड़े एम्प्लॉय को, इसलिए क्या करते हैं, लगातार 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक नहीं करते, 3-3 साल के 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4-4 साल के 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि कल को जब आप ग्रेचुटी मांगो तो वो बोल सके कि आपने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर्स का तो किया ही नहीं। लेकिन इसमें ना जीवन लाल वर्सेज कंट्रोलिंग अथॉरिटी 1982 की जजमेंट है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर के पास लगातार 5 साल काम करते हो, चाहे वो 1 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंगली हो, इवन देन यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेच्युटी। और जो तेरा दोस्त है उसको बता दियो कि हाँ उसे 100% ग्रेच्युटी मिलेगी, तो मतलब एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। याद रखियो कि इसका नाम जीवन लाल वर्सेज कंट्रोलिंग अथॉरिटी 1982। जीवन लाल वर्सेज कंट्रोलिंग अथॉरिटी 1982। यस परफेक्ट, थैंक यू।